Children, today I am continuing the exercise 5.3. okay, तो हम लोग ने कहा था, जैसे कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 3 हमें होमवर्क भी दिया है, काफ़ी बच्चों ने किया होगा आई नो, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, कुछ कहीं किसी का कुछ गलत स्टेप हो गया होगा, उसको चेक करिए। हम इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को डीपली समझाते हैं। इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो देखिए, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग ओपन योर बुक्स चिल्ड्रेन, क्वेश्चन नंबर 1 3 देखिए। इन एन ए पी गिवन, गिवन आपको ये है, पहले वाले टर्म्स में आपको सब चीज़ें हैं, एन एन एस एन फाइंड आउट करनी है। ए इज इक्वल टू 5 है, डी इज इक्वल टू 3 है एंड ए एन इज इक्वल टू 50। एग्जैक्टली हो चिल्ड्रेन? तो देखिए, इसको हमने करके रखा हुआ था पहले से। देखिए, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस। नाउ चिल्ड्रेन देखिए, हमने एक्सरसाइज हमने किया हुआ है। देखिए, तो ए की वैल्यू है 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोग ने 50 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 किया, 5 से माइनस किया 50 को, 45 एन माइनस 1 इंटू 3, दैट मीन्स वी गेट 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, और 3 से डिवाइड करें 15, एंड एन इज इक्वल टू क्या आ गया चिल्ड्रेन, 16। Now we will find the value of Sn. Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, n upon 2, 16 upon 2, 2 into 5, plus 16 minus 1 into d is 3, or 8 into 10 plus 15 into 3, तो यानी कि आएगा 8 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 3 इज 45। इन दोनों को प्लस करेंगे, दैट मीन्स 55 इनको मल्टीप्लाई किया, वी गेट 440। सिमिलरली वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट देखिए, ए इज इक्वल टू 7 दिया चिल्ड्रेन, ए इज इक्वल टू 13 इज इक्वल 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एंड एस 13। आपको ये खुद पता लगाना है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। आप दोनों लगा के देख लीजिए, दोनों में जो आपको मिल जा रहा है, जैसे कि अगर हमें डी नहीं पता, पहले हम डी के लिए ए 13 यानी कि ए एन का फॉर्मूला लगा लें, यानी ए एन इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं ए एन फॉर्मूला लिखा हमने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है चिल्ड्रेन, ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12 इंटू डी, और 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी, 35 माइनस 7 का मतलब होगा 28 इज इक्वल टू 12 डी, डी इज इक्वल टू 28 अपॉन 12 इज इक्वल 7 बाई 3, डी इज इक्वल टू 7 बाई 3। एस 13 इज इक्वल टू एन बाई 2, 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 13 में इसके बाद चिल्ड्रेन देखिए, इसकी वैल्यू ये देखिए, 13 अपॉन 2, 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 3, 14 प्लस 12 इंटू 5, 7 अपॉन 3, इन दोनों कैंसिल आउट किया, 4, 4, 7 है 28, 20 प्लस 14, 42, इन दोनों मल्टीप्लाई किया 21 एंड 2, 73। क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 12 इज इक्वल्स टू 37, डी इज इक्वल टू 3, फाइंड ए एंड एस 12। ए 12 इज इक्वल टू 37, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 37, तो ए प्लस 12 माइनस 1 का मीन हो गया 11, 11 डी इज इक्वल 37, ए प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल 37, ए प्लस 33 इज इक्वल 37, इसको माइनस करेंगे दैट मीन्स 4। क्लियर, ए के वालों क्या मिल गई चिल्ड्रेन, 4। सभी को क्लियर है इतना, हमारा वाला इतना पोर्शन क्लियर है ना? देखिए, ए के वालों आपको मिल गई, लेकिन अभी एस 12 चाहिए, एस 12 का फॉर्मूला सब जानते हैं, एन बॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, एन अपॉन 2, तो हमने यहाँ पे एस ट्वेल्व एक सेकेंड, हमने यहाँ निकाला नहीं, हम निकाल लेते हैं आपके लिए एस 12 की वैल्यू निकालने के लिए। 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए इज 4 प्लस एन माइनस 1, 12 माइनस 1, और डी इज, डी आपके पास कितना दिया चिल्ड्रेन देखिए, 3, डी इज 3। इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो छोटा सा यहाँ कर दे रहे क्योंकि स्पेस नहीं उधर भी। एस 12 इज इक्वल्स टू, आप खुद भी कर सकते हैं, 6 है इंटू 4 टू 8, 6 और ब्रैकेट में 8 प्लस 11 इंटू 8। क्लियर, तो 8 प्लस 8 प्लस 88, इसको प्लस करेंगे 8 को, 88 और 8 हो गया आपका 96 इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे 6 36, 6 3 कैरी 54 55 56 57, 576 इज योर आंसर। एग्जैक्टली हो, आगे देखो, बताओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या ए थ्री इज इक्वल्स 15 है, एस 10 इज इक्वल्स टू 125, डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ए 10 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, ए 3 इज इक्वल्स 15, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स 15. अब ए प्लस 2d इज इक्वल्स 15 यानी ए इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया. सेम एज एस 10 इज इक्वल्स टू 125 एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स 125. That means 10 upon 2, 2a plus n minus 1 into d is equal to 125. इनको करें सॉल्व. 2a plus n 9d is equal to 125 upon 5. इसको सॉल्व किया 2a plus 9d is equal to 25. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इक्वेशन नंबर वन में 2 का मल्टीप्लाई किया देन सब्ट्रैक्ट किया सेकेंड से. जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे चिल्ड्रेन तो 2a plus 4d is equal to 30. देखिए 2a plus 4d is equal to 30, राइट. और 2a प्लस 90 इज इक्वल्स 25 इनको माइनस करेंगे तो माइनस 5d इज इक्वल्स टू माइनस 5d इज इक्वल्स टू माइनस 1. a 10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d, 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1 और 17 माइनस 9 और 17 में से 9 माइनस करेंगे दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 8. ठीक है. अब क्या है, d इज इक्वल्स टू 5, s 9 इज इक्वल्स टू 75, a इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, a 9 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है. एस नाइन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो आपके पास ए एन अपॉन टू से एस नाइन दिया गया 75, एन की वैल्यू है 9 बाई 2, 2 इंटू ए इज क्वेश्चन मार्क है प्लस एन माइनस 1, 9 माइनस 1 इंटू 5 इज डी इज 5 लिख दिया चिल्ड्रेन देखिए. और इसकी वैल्यू आई 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन टू 2a प्लस 5 इज 40. 2 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया चिल्ड्रेन तो आया 50 अपॉन 3, 40 से माइनस कर दिया तो दैट मीन्स वी गेट माइनस 70 अपॉन 3 एंड 2 से डिवाइड कर दिया दो ए के वैल्यू आ गई माइनस 35 अपॉन 5, 35 अपॉन 3. इज दैट क्लियर. तो इतने छोटे चीज़ें हैं जो आपको एकदम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है. क्लियर चिल्ड्रेन. आगे देखो तो चिल्ड्रेन ये आपकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू आ गई 35 माइनस 35 पॉइंट 3. अब ए 9 निकालना है, ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू माइनस 35 पॉइंट 3 प्लस 9 माइनस 1 इज 8 इंटू डी इज 5 तो माइनस 35 पॉइंट 3 प्लस 8 5 इज 40. तो इसको करेंगे 3 एलसीएम माइनस 35 प्लस 120 दैट मीन्स 85 पॉइंट 3. दिस इज योर आंसर. द टू आंसर्स इज देयर, एक ए की वैल्यू माइनस 35 पॉइंट 3 एंड अनदर ए 9 इज इक्वल टू 85 पॉइंट 3. क्लियर. आगे देखिए सिक्स क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, एस 9 इज इक्वल टू 90, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए एन इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 9, एस 9 की इसकी वैल्यू पूरी डी 90, एन अपॉन टू 2 इंटू ए इज 2 प्लस एन माइनस 1d इज 8. क्लियर. एन अपॉन टू 2 टू 4 प्लस 8 एन माइनस 8 और इसके बाद 90 इज इक्वल टू एन अपॉन टू 8 एन माइनस 4 और ए 180 इज इक्वल टू 8 एन एन इसमें बेटा 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 कॉमन लिया तो दैट मीन्स ये 2 हमने इधर कर दिया, 2 हमने इधर कर दिया 180 हो गया, 4 कॉमन ले लिया 2n माइनस n बचा, माइनस 1 बचा. ठीक है. तो 2n माइनस 1 बचा तो 180 अपॉन 4 इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1. इसको डिवाइड करेंगे 45 इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1. क्लियर. तो 2n स्क्वायर, ये अगर 2n स्क्वायर माइनस n और ये 45 इधर चला गया माइनस 45 इज इक्वल जीरो, समझ रहे ना, इधर चला गया 45 और 2n स्क्वायर माइनस, अब इसको करना है 45 टू जो होता है 90 लाना है प्लस या माइनस करने पर 90 आना चाहिए हमारा. तो हमने क्या किया चिल्ड्रेन देखिए, माइनस 10 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो माइनस n मिलता है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 90 मिलता है. माइनस 10 n प्लस 9 इज माइनस 45, 2n कॉमन हो गया, n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5, n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल जीरो, n इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 2. हमेशा कभी वैल्यू निगेटिव में और फ्रैक्शन में नहीं ली जाती है, इसे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और n की वैल्यू क्या ले लेंगे 5. जब n की वैल्यू 5 मिल गई चिल्ड्रेन तो a 5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी किया, 2 प्लस 4 इंटू 8 2 प्लस 32, 2 प्लस 32 इज 34. इज दैट क्लियर. इतना आप लोगों को क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही ए थर्ड का 8th 7th पार्ट. देखिए a इज इक्वल टू 8 दिया गया है चिल्ड्रेन, a इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62, एस इज इक्वल टू 210, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड डी. ए एन इज इक्वल 62, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 62,
ए की वैल्यू है 8, एन माइनस वन, एन माइनस वन इज एन माइनस वन इंटू डी एज 62, एन माइनस वन इज 62 माइनस 8, एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 54। ठीक है, क्लियर। ये थोड़ा सा बीच में गलत हो गया था हमसे। अब आगे देखते हैं, एस एन की वैल्यू 210 दिया गया, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 210, एन अपॉन टू और 2a, 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में, 1 में इस पूरी की वैल्यू उठा, 1 से पूरी वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या लिखिए, ये 54, पूरी की पूरी हमने उठा के यहाँ रख दी है 54, राइट। और 2 इंटू a, a की वैल्यू होगी 8, 16 हो गया, 16 प्लस 54 इज इक्वल टू 210, एंड अपॉन 2 इंटू 50 प्लस करेंगे तो 54 प्लस 16 प्लस का 70 आता है इज इक्वल टू 210, यानी n इज इक्वल टू 210 अपॉन 35, इसको कैंसिल आउट कर 35 आ गया, 35 से डिवाइड करेंगे दैट मीन 6, वी गेट 6 वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, डी चाहिए, तो डी निकालने के लिए चिल्ड्रन देखिए, डी निकालने के लिए हमने क्या किया, फ्रॉम 1, n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 54, 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 54, डी इज इक्वल टू 54 अपॉन 5, क्लियर, तब भी क्लियर है। अब आगे देख लो चिल्ड्रेन, इसका 8th पार्ट देख लीजिए, 8th पार्ट है ये, ए एन की वैल्यू है 4, डी इज इक्वल टू है 2, एस की वैल्यू, एस एन की वैल्यू है माइनस 14, एन एंड ए फाइंड आउट करना है, ए एन इज इक्वल टू 4, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, ए प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 2, ये 2 है चिल्ड्रेन, इज इक्वल टू 4, ए प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 to n minus 1 is equals to 4, sn is equals to minus 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, sn के वैल्यू माइनस 14 दिया गया है, और n upon 2 is equals to 2a plus n minus 1 into d is equals to minus 14, n upon 2, 2 into a plus n minus 1 into d into 2 is equals to minus 14, n upon 2, 2a plus 2n minus 1 is equals to minus 14, तो n की वैल्यू में यहाँ से कुछ डिवाइड कर दिए, दिखाते क्यों किया ऐसा, वन अपॉन टू ऐसे एन दिया, टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल दिस, टू कॉमन लेके कैंसिल आउट के ए प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन एन। अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 1 है, फ्रॉम वन से हमने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू इज इक्वल टू 4 है, ए प्लस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस का ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, इसमें से 2 जैसे x में से x माइनस होता है तो x आता है माइनस एक्स, वैसे यहाँ पे 2n माइनस 1 में से अगर n माइनस 1 माइनस हो गया तो माइनस n माइनस 1 मिल गया, माइनस 14 अपॉन n माइनस 4, क्लियर चिल्ड्रेन। आगे देखिए अम्मा, आगे देखिए चिल्ड्रेन, माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस 14 n अपॉन n, ये माइनस 14 n कहाँ से है देखिए, पीछे एलसीएम लिया, माइनस 14 माइनस 4n, क्लियर चिल्ड्रेन, इतना हमने किया इसके लिए। इसके बाद इसकी वैल्यू मिली हमें, देखिएगा हमने सॉल्व किया, n माइनस 1 इज माइनस, इससे तो कॉमन लेके सब साइड से कैंसिल कर दिया, 14 प्लस 4n अपॉन n, n स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 14 प्लस 4n, n स्क्वायर माइनस 5n, ये इधर आ गया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5n ये माइनस हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो जीरो। अब बताए 14 हमें लाना है, 7 टू 14 और 7 में से 2 माइनस करते तो 5 आता है, ठीक है, इसको भाई आप लोग के एक्सप्रेशन को सॉल्व किया गया, तो क्या मिला चिल्ड्रेन देखिए, n माइनस 1, एन कॉमनली n माइनस 1 प्लस 2 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एन माइनस 7, एन माइनस 7 इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 7 और एन इज इक्वल टू माइनस 2, एन इज इक्वल टू माइनस 2 नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं नेगेटिव वैल्यूज नहीं ली जाती है, एन इज इक्वल टू 7 कंसीडर करेंगे, तो एन इज 7 कंसीडर के ए प्लस 2 इंटू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ए प्लस 2 इंटू 6 हो गया इज इक्वल टू 4, ए प्लस 6 टू 12 इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू क्या गया चिल्ड्रेन माइनस 8, और एन इज इक्वल टू क्या मिल गई वैल्यू 7। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है। 9 देखिए, ए इज इक्वल टू 3 एंड एन इज इक्वल टू आपको दिया गया है चिल्ड्रेन, एंड 9 इज इक्वल टू दिया गया है, एन इज इक्वल टू 8, एस की वैल्यू है 192, डी फाइंड आउट करना है, सिंपल है ये तो, बहुत सिंपल है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस 8 इज इक्वल टू एन 8 अपॉन टू 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, एंड 192 इज इक्वल टू 4, इनको डिवाइड कर दिया 6 प्लस 70, इज दैट क्लियर। आगे देखिए इसको किया हमने तो, 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 70, 48 माइनस 6 इज 70, 42 इज इक्वल टू माइनस कर दिया 42 आ गया 70, और डी की वैल्यू आ गई 42 अपॉन 7, दैट मीन्स 6,
क्लियर. आगे क्वेश्चन नंबर 10 है ये. एल इज इक्वल्स टू 28, एस इज इक्वल्स टू 144, एन इज इक्वल्स टू 9, ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल. ए प्लस एल का चिल्ड्रन क्या मतलब हो गया, ए की वैल्यू आपको सब्सिट्यूट करनी है और एल की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है. क्लियर. ए की वैल्यू और एल की वैल्यू देखिए कैसे. देखिए ए की वैल्यू 144 इज इक्वल टू एन अपॉइंट टू ए प्लस एल. एल इज 28, इसको डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया 16 टू 32 आ गया और ये ए प्लस 28 हो गया. क्लियर चिल्ड्रेन. और ए इज इक्वल टू क्या मिल गया 32 माइनस 28 दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या मिल गया 4. दिस इज योर आंसर इज द लास्ट क्वेश्चन. तो ये इसके थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स थे. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है नंबर 4 चिल्ड्रेन. क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करने से पहले आपको क्वेश्चन दिखा दे क्या है. देखिए इसमें सबके पास बुक है, प्लीज़ अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन ए पी एस 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636. कि कितने टर्म्स ऐसे होंगे, जैसे कि क्या सीरीज़ आपके पास ए पी सीरीज़ जो गिवन है चिल्ड्रेन वो आपके पास है 9, 17, 25 मस्ट बी गिवन इन द सम ऑफ. इस किस नंबर का सम होगा ये, यानी एन आपको क्वेश्चन मार्क है और किस नंबर का एस एन की जो वैल्यू है वो 636 है. क्लियर. तो 636 है. ए की वैल्यू चिल्ड्रेन क्या है 9, डी इज इक्वल टू क्या है 17 माइनस 9. माइनस करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, दिस इज 8. ठीक है. एस एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इन टू डी. इज दैट क्लियर. 636 इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2 इंटू ए की वैल्यू है 9 प्लस एन इज क्वेश्चन मार्क एंड डी इज 8. क्लियर चिल्ड्रेन. 636 इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू 2 कॉमन ले लिया आपने 9 प्लस, समझ रहे हमारी बात को, 9 प्लस 8 नहीं रह गई, 2 कॉमन ले लिया 4 हो गया. ये 4 एन माइनस 4. आगे देखिए 636 इज इक्वल टू 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज n और अंदर बचा, इसको माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा 4 एन प्लस 5. ठीक. अब आपको सॉल्व करना हमने सिखाया हुआ है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. अब आपने 636 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू आती है उसमें चेक करना है कि बीच में हमें प्लस 5 कैसे मिल जाए. ओके चिल्ड्रेन, 636 मल्टीप्लाई बाय 4, सो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 624 का 4 टू कैरी, 12, 13, 14 का 4 कैरी या 1 एंड 24 एंड 25. इज दैट क्लियर. अब हमें इसको सॉल्व करके क्या लाना है, 5 लाना है. पहले से 2 से 2 एंड 2, 2 2's are 4, 2 7's are 14, 2 2's are 4. अगेन वी विल राइट 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 2 1's are 2, 2 8 is 16, 2 1's are 2, 2 5's are 10, 2 9's are 18, 3 same, 3 5's are 15, 3 3's are 9 and this is 53, 2 2's are 4, 4 2's are 8, 8 2's are 16, 16 3's are 48 और 53 में से अगर हम 48 माइनस करते 8, 9, 10, 11, 12, 13 दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 5 और 53 इज ए प्राइम नंबर. ओके चिल्ड्रेन, तो हमें क्या मिल गया 4n स्क्वायर प्लस हमने लिख दिया इसमें 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. 4 इसमें से n कॉमन हो गया 4n प्लस 53 क्योंकि इसमें आता नहीं है और माइनस इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, जिससे हम लोग का 4 आ जाएगा, ये 12 कॉमन ले लिया. तो 4n माइनस 12 के टेबल में दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 53 पे ही आएगा ये. ठीक है. और ये माइनस कॉमन हो गया तो ये प्लस में हो जाएगा 4n प्लस 53 एंड अनदर वन इज n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो ये सब जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग इस तरह बहुत यूज़ किया अभी हमने. 4n प्लस 353 इज इक्वल टू 0 यानी n की वैल्यू क्या आ गई चिल्ड्रेन माइनस 53 अपॉन 4. इसको इधर करेंगे माइनस होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि माइनस की वैल्यू हम लोग नहीं लेते, राइट, नेगलेक्टिंग, राइट चिल्ड्रेन. और दूसरा क्या, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स n इज इक्वल टू 12. दिस इज योर आंसर.
क्लियर, अभी क्लियर हुआ ना ये चीज़ है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए द फर्स्ट टर्म, ये भी लिखा है आपके बुक में, देखिए ये है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स टर्म्स ऑफ एंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। फिलहाल तो जो फर्स्ट टर्म दे रहा है यानी ए की वैल्यू जो दे रहा है चिल्ड्रेन वो 5 दे रहा है, लास्ट टर्म इज 45 दे रहा है, सम की जो वैल्यू है वो 400 दे रहा है, एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो एस का फॉर्मूला जानते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। क्लियर चिल्ड्रेन? एस एन यानी 400 इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू इंटू 5 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू है डी। ठीक, डी इज डी। अब डी भी हमको अननोन है, डी भी हमको नहीं पता है। ठीक, एक और फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, वो भी हम लगा सकते हैं, ए प्लस एल वाला, राइट, उससे भी इजीली आ जाएगा। तो ये दोनों हम हटा के इसमें ए प्लस एल लगा लेते हैं, इसको कैंसिल कर दिया हमने। देख रहे हैं आप, जैसे कि देखिए चिल्ड्रेन, एस एन इज इक्वल्स टू एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये लगा दे रहे क्योंकि इसमें एल हमें गिवेन है। ठीक है, एन अपॉन टू ए की वैल्यू 5 और एल इज 45 एंड द एल इज 400 एस एन इज। क्लियर? तो ये हो गया 800 इज इक्वल्स टू एन इंटू 50, एन इज इक्वल्स टू 800, देखे सभी बच्चे, 100 अपॉन 50, एन इज इक्वल्स टू कैंसिल 5 वन ज 5 5 सिक्स 30, एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। लेकिन आपको चाहिए क्या? डी भी चाहिए, ये तो चाहिए ए, तो एक आंसर मिल गया आपको, दूसरा आंसर क्या है? डी भी चाहिए। तो डी निकालने के लिए चिल्ड्रेन आप पास एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला है, राइट? यह सभी के पास फॉर्मूला, सभी को पता है इस फॉर्मूले के बारे में ना। तो इस फॉर्मूले में रख के हम लोग निकाल सकते हैं आराम से वैल्यू। देखिए एल की वैल्यू है आपके पास 45 इज इक्वल्स टू ए इज 5 प्लस एन की वैल्यू, एन ही रहने दीजिए, एन की वैल्यू आ गई 16 माइनस 1 इंटू डी इज डी। तो इसको माइनस करेंगे, 40 इज इक्वल्स टू 16 में से माइनस करेंगे 15 डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपॉन 15, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई चिल्ड्रेन 5 से काटेंगे 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, 8 अपॉन 3। क्लियर? सभी को इतना क्लियर हो गया होगा ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए देखिए हम कितनी जगह को यूटिलाइज करते हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं। देखिए हम खुद ही, हमारी देखिए कॉपी मैथ्स की भर गई है, अभी हमने दूसरी कॉपी हमने स्टार्ट करी है। देखिए ये मैं एक कॉपी मेरी पूरी भर चुकी, दूसरी कॉपी आपके सामने है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों की भी भर गई होगी मैथ्स की कॉपी। हो सकता है थोड़ी सी मोटी बनी हो, तो नहीं भी भरी हो, लेकिन अब मैंने बड़ा सा एक रजिस्टर बनाया है कि इसमें थोड़ा सा ईजिली, और देखिए हर एक कॉलम को किस तरीके से हम आपको डिवाइड करके दिखा रहे हैं, किस तरीके से, ये देखिए पूरा पोर्शन देखिए किस तरह से मैंने डिवाइड किया हुआ है, हर एक चीज़ देख रहे हैं आप लोग, कॉलम्स को डिवाइड करके बना रहे हैं। अभी आपको फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 6। 6 क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए चिल्ड्रन, देखिए 6 क्वेश्चन भी क्या लिखा है आपका। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 17 एंड 350 रिस्पेक्टिव, दैट इज ए एंड दिस इज एल, कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर एंड व्हाट देयर सम, एन निकालना है एंड इसका सम निकालना है। पहले लिख लिए क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं, ए इज इक्वल्स टू 17 दिया गया है और एल इज इक्वल्स टू 350 दिया गया है, डी इज इक्वल्स टू 9 दिया गया है, हाउ मेनी टर्म्स, एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड एस इज इक्वल्स टू ऑल्सो क्वेश्चन मार्क है। तो बे चिल्ड्रेन एस का, एल का पहले फॉर्म लगा, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए 350 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 17 प्लस एन इज एन माइनस वन और डी की वैल्यू है चिल्ड्रेन 9। 350 में से अगर हमने 17 माइनस कर दिया और एन माइनस वन इन टू 9 लिख दिया, कोई क्वेरी इसमें नहीं, तो इसको माइनस करेंगे दैट इज 3 और 4 में से 1 गया
फोर में से वन गया थ्री एंड थ्री डिवाइडेड बाय नाइन इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक, अब इसको थ्री 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 डिवाइडेड बाय नाइन, तो थ्री थ्री सभी देख रहे होंगे, थ्री डिवाइडेड बाय नाइन इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैंसिल होगा, ये देखिए बताइए, कैंसिल ही कैंसिल कर सकते हैं चिल्ड्रेन हम लोग नाइन से, पहले थ्री से कर दीजिए, थ्री थ्री से नाइन, थ्री वन थ्री, ट्वेल्व थ्री थ्री, तो ये आ जाएगा अगेन थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, यानी कि थर्टी सेवन इज इक्वल टू एन माइनस वन, यानी एन इज इक्वल टू थर्टी सेवन प्लस वन, यानी एन इज इक्वल टू थर्टी एट। क्लियर, एन की वैल्यू आ गई आपकी, अब एस निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल से निकाल लो, उसे भी जल्दी निकल आएगा एस एन, तो 38 अपॉन टू, ए की वैल्यू है 17 और एल भी गिवन है 350। ठीक है, इनको इनको डिवाइड करेंगे, टू वन ज़ा टू, टू नाइन ज़ा 18 और इनको प्लस करेंगे तो 367। क्लियर, 367 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे चिल्ड्रेन तो मिलेगा 6973, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर चिल्ड्रेन, इतना समझ में आ रहा है सभी को, वेरी गुड चिल्ड्रेन। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इज क्वेश्चन नंबर सेवन। अब आप लोग सोच रहे हो मैम बहुत धीरे धीरे करी बेटा, क्योंकि हम लोग आप लोगों को आगे की हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इतना भी नहीं किया होगा, इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि हम अगर स्कूल में होते तो शायद इतनी डीपली नहीं जाते, क्योंकि हम कॉपी चेक कर सकते थे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्टिव ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम चाहते हैं उनकी कॉपी कंप्लीट रहे, इसलिए हम उनको दिखा दे रहे हैं, सारे बच्चे कम से कम एटलीस्ट कॉपी कंप्लीट रहेगी तो वो आगे भी कर सकेंगे। ठीक है, तो उसको उसको पढ़ के उसको देख के समझ सकेंगे वो लोग। ठीक है, तो इसलिए अब घबराइए नहीं, सब हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरीके से जब हम लोग को पढ़ाई करनी है जब हम लोग को, तो हम लोग इस तरीके से पढ़ देंगे। ठीक है, देखिए अभी जब पता नहीं कब तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप लोग को मुझे जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई हम बहुत भाग नहीं रहे हैं और बहुत डीपली भी जा रहे हैं, और कोई अगर कोई दिक्कत है बेटा तो हमसे पूछ लेना। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इन विच टी इज इक्वल टू 7 दिया गया है एंड 22nd टर्म इज 149। 22 टर्म्स हैं, फर्स्ट 22 सब ए पी के हैं, सम निकालना हमको। ठीक है, फर्स्ट सम 22 टर्म्स के, यानी कि एस 22 इज क्वेश्चन मार्क है आपके पास। उसके बाद आपको दिया गया है डी की जो वैल्यू दी गई है चिल्ड्रेन वो 7 दी गई है, और जो टी 22 दिया गया है वो 149 दिया गया है। क्लियर, तो अब देखिए इस फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, देखिए चिल्ड्रेन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 149। ए प्लस एन की वैल्यू है 22 माइनस वन, देख रहे सभी बच्चे ना, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि जो 22nd टर्म है वो उसका ए पी का दिया गया, और डी की जो वैल्यू है वो 7 है 149। तो ए प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149, यानी ए प्लस 7 द 7 हो गया, 7 टू ज 149, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 149 माइनस 147, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया 2। क्लियर, ए की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। अब आपके पास क्या निकालना है आपको, एस 22 निकालना है, एस 22 इज इक्वल टू एन अपॉन टू और आपके पास है ए प्लस एल, तो एन अपॉन टू, आपको एन की वैल्यू दी गई 22 अपॉन टू, ए की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू है आपके पास 149। क्लियर चिल्ड्रेन, अब इसके लिए हमने सॉल्व किया, देखो एस 22 इज इक्वल्स टू, दिस इज 11 इंटू 149 है, 151 हो जाएगा, 151, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे चिल्ड्रेन तो एस 22 की वैल्यू आएगी 1771। आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा, और कोई गलती होगी तो हमको बता दीजिएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हूज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास दे रहा है चिल्ड्रेन फर्स्ट 51 टर्म, एस 51 क्वेश्चन मार्क है आपके पास।
ठीक है. सेकेंड टर्म का मतलब हुआ ए टू इज इक्वल, ए टू कह सकते हैं या हम लोग लिख सकते हैं, टी टू लिखते हैं ना, टी टू इज इक्वल टू लिख सकते हैं. 14 दिया गया है, आई एम रियली सॉरी. एंड टी थ्री इज इक्वल टू जो दिया गया है वो 18 दिया गया है. ठीक है, तो हमें डी भी नहीं पता, डी तो हम निकाल सकते हैं इन दोनों को माइनस करके. डी की वैल्यू आ गई आपके पास, डी इज 4. जब डी 4 आ गया तो आप टी 1 भी निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म, तो इससे पहले वाला टर्म निकाल सकते हैं. तो क्या आ जाएगा चिल्ड्रेन, इसका आ जाएगा 10 T1, यानी A की वैल्यू आ गई 10 आ गई, यानी A इज इक्वल टू आपको 10 मिल गया, D पता है. और उसके S51 निकालना है. तो फिलहाल अभी हमने पहले क्या निकाल लिया, फॉर्मूला हम जानते हैं, S51 इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला जानते हैं, देखिए S51 इज इक्वल टू N अपॉन 2 2A प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, और सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं, 51 अपॉन 2 टू, यहाँ पे भी हमें एन ही लिख देना चाहिए अभी, क्योंकि पहली बार फॉर्मूला लिख रहे हैं हम. और 2 इंटू ए की वैल्यू है 10 प्लस एन की वैल्यू आपके पास है 51 माइनस 1, और डी की वैल्यू आपने निकाली है कितनी 4. ठीक है चिल्ड्रेन, 51 अपॉन 2 20 प्लस ये 50 इंटू 4, क्लियर. तो 51 अपॉन 2 इसको सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 200, दैट मीन्स 51 अपॉन 2 इंटू 220, कैंसिल किया 110, 51 इंटू 110 मल्टीप्लाई करके मिल रहा है चिल्ड्रेन 5610. आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. आज की क्लास हम यही रोकते हैं, और इसके बाद के क्वेश्चंस इन बच्चों को आ रहे हैं वो कर लेंगे, एंड फिर वही चीज़ करेंगे हम कि नेक्स्ट टाइम हम क्वेरी सॉल्व भी करेंगे, साथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, उसको क्लियर भी करेंगे साथ. क्लियर चिल्ड्रेन, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो हमसे पूछ लीजिएगा. इतने जितना मैंने भी पढ़ाया, 8 क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया, इस पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.